सो गाइस, एज यू कैन सी हमारा लैंडिंग पेज ये देखिए कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो इमेजेस हमने लगाए थे वो अपने आप यहाँ से स्लाइड हो रहे हैं। आपको बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके लगा देने हैं। और एक वीडियो भी हमारा हमने जो मेंशन किया था, और देखिए उसके बाद हमारा ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है, एंड उसके बाद गाइस आता है गेट टू प्रोडक्ट्स, आई मीन प्रोडक्ट्स का लिंक। तो सिंपली अगर कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पर। Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर के, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स अपने प्रमोट किए हैं और उन पे जो इंटरेस्टेड कस्टमर आपके होते हैं, और अगर आपको उनका ईमेल मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए, तो आप फ्यूचर तक लाइफ टाइम तक उन्हें आप अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। थोड़ा सीरियस हो तो डेफिनेटली आप वीडियो पूरा देखोगे, जो लोग नहीं है तो वो बीच में क्वाइट करके भग जाते हैं और वही उनका सबसे बड़ा डिमोटिवेट वाला पार्ट बन जाता है, जिससे उन्हें ये फीलिंग आता है लाइफ टाइम तक कि भाई इससे तो अर्निंग हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, देखिए अगर आप सीरियसली हो अर्निंग करने के लिए तो वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी पूरी नॉलेज आप तक डिलीवर हो पाती हो, तभी आप कुछ कर पाते हो। तो आई होप अब आप बीच में स्किप ना करोगे, और करना हो तो कर देना गाइस, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको अच्छा ना लगे तो विदाउट वेस्टिंग गाइस एनी मोर टाइम वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सो मैं इस वीडियो में आपको दो चीज बताने वाला हूं, पहला तो ईमेल कलेक्शन और उसे रिमाइंड कैसे कराते कस्टमर को, और उनके ईमेल्स आपको कैसे मिलेंगे अगर आपका प्रोडक्ट्स भी अच्छा मिला है तो। एंड सेकंड बताऊंगा हाउ टू क्रिएट सर्चेबल लैंडिंग पेज फ्री, दैट मींस अगर आपका लैंडिंग पेज गूगल की सर्च में रैंक कर गया तो दोस्तों बस वही एक प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम तक इतना पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। काफी जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर होते हैं वो लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं, और वो ये ट्रिक अपनी पेड कोर्सेस में प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें उससे भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। सो मैं अपनी जिसमें फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले मैं आपको दोस्तों हाईली रिकमेंड करूंगा, जब आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है फ्री में, जो कि हिंदी में है गाइस, आप उसे जाके विजिट कर सकते हो। वो है ये, आप कोर्स को जब आप चैनल विजिट करोगे आपको मिल जाएगा फ्री एफिलिएट मार्केटिंग मास्टर कोर्स, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब देखिए जो ईमेल कलेक्शन वाला है, जो मैं ये वाला बता रहा हूँ हाउ टू कलेक्ट मेल्स एंड रिमाइंडर, तो वो मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, बिकॉज ये काफी बड़ी बड़ी गाइस वीडियो हो जाती है और मुझे समझाना भी इसमें अच्छे से पड़ता है इस वजह से। सो मैं आ गया Digistore24 के अपनी एक वेबसाइट पे एंड ये सॉरी डैशबोर्ड पे, एंड मैं सिंपली यहाँ पे मार्केट प्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। सो कुछ इस तरीके के गाइस हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे मार्केट प्लेस के, एंड यहाँ पे मैं चूज करूंगा फिटनेस एंड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे फिटनेस एंड हेल्थ पे चूज करने के बाद मैं यहाँ पे चूज करूंगा 75% कमीशन वाला, ये वाला दो बैक पेन SOS जो भी है। सो मैं सिंपली यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक अभी नहीं करूंगा, मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ कि मैं ये वाला प्रोडक्ट्स प्रमोट करने वाला हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको कि लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से क्या चलते हैं, मैं ये सारी पेजेस ओपन करके इसलिए रखता हूँ बिकॉज अगर मैं ये पेजेस ही ओपन करूंगा, और मेरे यहाँ का गाइस इंटरनेट अभी स्लो रहता है बिकॉज मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो इस वजह से मैं ऑलरेडी ओपन करके रखता हूँ बिकॉज ओपन करने में ज्यादा टाइम लग जाता है लोडिंग होने में। सो यहाँ पे देखिए मैंने अपने चैनल का ये पेज एक वेबसाइट सिंपल एक पेज की लैंडिंग पेज वेबसाइट जनरेट करी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और काफी अच्छी लग रही है देखने में भी, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे भी गाइस ये देखिए इस तरीके की मेन्यू, और अगर आप यहाँ पे भी अपने और प्रोडक्ट्स की लिंक गाइस, और लिंक भी आपको कैसे देना मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए गाइस कहता हूँ वीडियो को बिल्कुल लीव मत करना, बिकॉज मैं जो भी आपको शेयर करता हूँ वो खुद में पहले ट्राई करता हूँ, उसके बाद गाइस शेयर करता हूँ। और देखिए यहाँ पे आप सारे पेजेस बना सकते हो जिसमें आप एक ही निश के प्रोडक्ट्स जो है इंक्लूड कर सकते हो, अगर एक बार बंदा आपके इस वेबसाइट पे लैंड कर गया तो वो यहीं पे घूमता रहेगा, एंड एक ना एक चीज यहाँ से परचेस करने में इंटरेस्ट हो जाएगा, बिकॉज जब हम किसी कस्टमर को एक से ज्यादा चीज पिच करते हैं तो उसे अगर वो चीज नहीं पसंद आएगी तो दूसरी चीज पसंद आ जाएगी, और चलो छोड़ो अगर उससे तब नहीं लेना तो उसका ईमेल आपको मिला है, उससे आपको फ्यूचर में अर्निंग होने वाली है। आप एक दो दिन बाद उसे पिच कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं, जैसे कि लोग बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो अपने ईमेल्स आप रिमाइंडर में बाकायदा टेम्पलेट्स वगैरह यूज करके और उसी में एफिलिएट लिंक उसमें भी मेंशन कर देते हैं, तो एफिलिएट लिंक जो आप रिमाइंडर में मैसेज में मेंशन करते हो गाइस
तो वो वाली वीडियो देख लेना जो मैंने पिछले बनाई है, जो अभी अभी मैंने आपको रिकमेंड करी है। एफिलिएट मार्केटिंग में गाइस इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना यूट्यूब भी नहीं देता, ना कोई वेबसाइट देती, कोई भी नहीं देता। अगर एक प्रोडक्ट आपका इंटरनेट पर चल गया तो गाइस वही एक ही प्रोडक्ट आपको अर्निंग करके दे सकता है लाइफ टाइम तक। सो चलिए ये हो गया, अब मैं आपको नई वेबसाइट बना के दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डेमो बनाया। सो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल में साइट में डालोगे, गूगल में गूगल वेबसाइट, ठीक है। जैसे आप गूगल वेबसाइट डालोगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बना रखे हैं ऑलरेडी थोड़े थोड़े, अब मैं पूरा आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है, देन आफ्टर उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का सिंपल सा डैशबोर्ड गाइस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंटर साइट नेम आपको वही, देखिए एक एक चीज बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको ये वाली चीज डालनी है, ठीक है, जिस रिगार्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट्स बनाना है। सिंपल सी ये कॉपी पेस्ट एज इट इज कर देना है। सो दोस्तों आपको ये नेम पेस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको सिंपल से गूगल पे चले जाना है एंड वहां पे आपको सर्च करना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस सिलेक्ट करने जो कि इन्फॉर्मेशनल हो, जो कि टाइपोग्राफिक इन्फोग्राफिक हो, उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, मतलब देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव और उसमें क्लियरिटी हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना गाइस, ये मेन पार्ट है उसका। सो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लिए, अब मैं जाता हूँ फटाफट से यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए जैसे आप यहाँ पे कर्सर को स्टॉप करोगे तो यहाँ पे चेंज इमेज करके यहाँ पे सिलेक्ट इमेजेस आ जाएगा एंड एक आएगा अपलोड। सो सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे देखिए ये वाले इमेजेस मैंने इंटरनेट से निकाले, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला इमेज सिलेक्ट कर देना है। अब हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। देन आफ्टर गाइस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा, ये ले लेना है। यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एंटर करने के लिए एक इनबॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे सेल्स पेज पे जाना है और आपको सिंपली ये कॉपी कर लेना है। दोस्तों सेल्स पेज आपको कैसे मिलेगा ये तो आपको पता ही होगा, ये देखिए इस लिंक से क्लिक करोगे तो सेल्स पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। सिंपली आपको ये कॉपी करना है, देन आपको जाना है नोटपैड की वेबसाइट पे, सॉरी नोटपैड ओपन कर लेना है, यहाँ पे उसी को एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे उसे कॉपी करके गाइस आपको सेम टू सेम यही मेथड फॉलो करना है। देखिए आप बिल्कुल भी वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और एक बात बताओ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं, बिकॉज एक एक वीडियो बनाना एक एक घंटे की आधा आधा घंटे की एक वीडियो बन जाते, सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और वहीं पे अगर सब्सक्राइबर या आपके पॉजिटिव कमेंट या कुछ भी आप लोगों से देखने को नहीं मिलता तो काफी डिमोटिवेट वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो अब देखिए यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं, इसे थोड़ा बोल्ड करके, एंड यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है हम देख ले रहे हैं अपने हिसाब से 14 कर ले रहे हैं, या यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो कि अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। और ज्यादा बड़ा भी नहीं करना, अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसे और गाइस अब आपको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे सेंट्रलाइज कर देना है। अब देखिए काफी अट्रैक्टिव सा लगने लगा। तो गाइस आपको ये एडजस्ट करने के बाद अब हमारी मेन चीज आती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको लगाने, जैसे कि जब आप ये देखिए यहाँ पे इमेजेस वाले ऑप्शन बहुत सारे होंगे नीचे, ये देखिए इस टाइप के, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इमेजेस नहीं लगाना, आप लोगों ने यहाँ से इमेज कर्सल, ठीक है, ये आपको सिंपली यहाँ पे अटैच करना है एंड यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है, ठीक है। एक एक स्टेप देख लेना, ये सारी इमेज आप सिलेक्ट करोगे, सिंपल से अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे और दोस्तों यहाँ पे ऑटो स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटो स्टार्ट एंड यहाँ पे आपको फास्ट पे क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सेंट्रलाइज कर देना एंड इसे थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कर देना, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल से थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको YouTube पे क्लिक करना है एंड देन YouTube पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च YouTube सर्च पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है बैक पेन या कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप सर्च कराओगे YouTube पे तो वो YouTube पे डायरेक्ट सर्च होगा। सो ये सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड डालने हैं, जैसे कि बैक आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना कुछ यहाँ पे सर्च करना है, जिसमें बैक पेन किस तरीके से होता है और कैसे वहां से रिलीफ मिल सकता है, कैसे हमें आराम मिल सकता है, इस टाइप की वीडियो यहाँ पे सर्च करना है। देन यहाँ पे आपको सिंपली वीडियोस मिल जाएंगी और उसमें से एक कोई वीडियो आपको एम्बल्ड कर देनी है अपने यहीं पे इसी चैनल पे, अपने लैंडिंग पेज पे। इससे गाइस होता है कि जो यूजर होता है उसे काफी अच्छी लगती है, बिकॉज काफी अट्रैक्टिव सा ये हो जाता है हमारा देखने में भी। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा और इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देना है
इतना बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देना। ये देखिए हमारा लैंडिंग पेज बनना थोड़ा स्टार्ट हो गया अच्छे से। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बटन और ऐड करना है जिसमें हम अपनी एफिलिएट की लिंक लगाएंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। देखिए पहले मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बनाया था उसमें आप लोगों ने पहले मैंने बता दिया था कि कभी भी अपने कस्टमर को डायरेक्ट अपना जो प्रोडक्ट है उस पर लैंडिंग मत करो, उससे पहले इन्फॉर्मेशन दो उसके बारे में, थोड़ा अच्छे से उससे टच होगा इस कस्टमर को चीज बेचने से पहले, उसके नीड के बारे में जान लो, उसे जान लो, फिर वो लाइफ टाइम तक आपका कस्टमर बन जाता है। आप जो एक सेल्स जनरेट करोगे इस लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग, लैंडिंग इस लैंडिंग पेज से, तो गाइस इस लैंडिंग पेज को ऐसा बनाना है कि वो ओनली आपसे इंप्रेस हो, ना कि आपका प्रोडक्ट ले। सो आपको कुछ इस तरीके का उसे ओनली इंफॉर्मेशन देनी है कि इससे रिलीफ कैसे मिला जा सकता है। सो जब आप सेल्स पेज पे आओगे, इस वाले सेल्स पेज पे, तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। आप चाहे तो ये सारे इमेजेस जितने भी हैं वो सारे अपने यहाँ पे यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वाले और सेम टू सेम इस तरह टाइप का जो आर्टिकल लिखा होता है इसके मेन मेन हेडिंग आप वहां पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक आर्टिकल ये ले लिया, ठीक है, ये कॉपी कर लिया एंड ये मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही आप यहाँ पे सीधा यहाँ से टेक्स्ट वगैरह लेके और पेस्ट करके सेट करते जाओगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से मैं ज्यादा नहीं आपको बता सकता। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपको उसके बारे में थोड़ा आर्टिकल और लिखना है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये वाले एक वाले फोटो वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमारा आर्टिकल लिखने के लिए कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पे प्रीव्यू गाइस दिखा दिया जाता है, जो आपको सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड देन एक प्रोडक्ट्स में यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे मैं सिंपल से अपलोड कर देता हूँ एंड इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड सेल्स पेज से आपको कुछ टेक्स्ट कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल जो अट्रैक्टिव दिख रहे हो, जैसे कि ये वाला मैंने कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे एज इट इज इन्हें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इसका जो साइज है वो गाइस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, यहाँ से आप जो भी साइज रखना चाहो तो यहाँ से वो साइज आपको एडजस्ट कर लेना। एंड यहाँ पे आपको कुछ टाइटल दे देना है, टाइटल दैट मींस कुछ अट्रैक्टिव सा आपको कुछ यहाँ पे टाइटल एंटर कर देना है, लाइक अबाउट मेडिसिन, या आपको जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हो उस टाइप का एक टाइटल, इंटरेस्टिंग सा अट्रैक्टिव सा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। देन आफ्टर गाइस यहाँ पे आप लोगों ने अब मेन चीज करना है, यहाँ पे आपको बटन, एक बटन लगाना है जिसमें हम अपनी लिंक को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो नेम अपने बटन का लिख देंगे। सो गाइस आप लोगों ने बटन का नेम लिख देना है क्लिक टू गेट प्रोडक्ट, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिंक मेंशन कर देना है, लाइक हमारी जो भी हमारी लिंक थी, जो हमारी एफिलिएट लिंक थी, सिंपल से आपको अपनी एफिलिएट लिंक एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और गाइस मेक श्योर आपके एफिलिएट लिंक में ये जरूर आपका यूजर नेम मेंशन हो, ठीक है। सिंपल से आपको इंसर्ट कर देना है एंड देन गाइस यहाँ पे आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज यार कर देना, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये चीज मेंशन कर देनी है। अब दोस्तों बात आती है कि कस्टमर की डिटेल हम कैसे लें अगर वो इंटरेस्टेड है तो, ठीक है, और उसे कैसे हम पिच करें। अब देखिए मेन चीज अब आती है। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे राइट साइड में ये जो आपको कंट्रोलर मिल रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म्स का, ठीक है, ये देखिए फॉर्म्स का। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो इस फॉर्म्स वाले आइकन पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म बन के एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाएगा जिसमें हमारे कस्टमर की डिटेल सब फिल्ड होगा और उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं एक ही क्लिक में यहाँ पे इसे इंसर्ट कर लूंगा गाइस। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हम इसे क्या गए और गाइस हम क्लिक टू प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसे इसके कॉन्टेक्ट के नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब इसे गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे पूरे में फिल कर देंगे, कुछ इस तरीके का दिख हमारे पास एक फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे कस्टमर का नेम एंड यहाँ पे गाइस कस्टमर का ईमेल आईडी एंड यहाँ पे कॉमेंट, जो भी उसे इसके रिगार्डिंग कॉमेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हो गया। अब दोस्तों आप लोगों ने इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए कुछ डिवाइडर्स यहाँ पे लगा देने, डिवाइडर आपको ये मिल जाएगा, आपको
सिंपली ये क्लिक करना है और ये देखिए हमारा एक डिवाइडर यहाँ पे लग गया। तो हमें ये ऊपर वाला सेक्शन जो है वो अलग सा लग रहा है अब थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक डिवाइडर चाहिए जहाँ पे हमारा आर्टिकल लिखा है, एक डिवाइडर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एंड देन सेकेंड आप लोगों ने यहाँ पे भी लगा देना है, बिकॉज हमारा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो अलग है, यहाँ पे हमने एक डिवाइडर लगा दिया, बिल्कुल मस्त। अब हमारा ये जो है लगभग बनके रेडी हो रहा है। अब गाइज आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं आपको अपने उस वाली वेबसाइट में दिखा रहा था, आप लोगों ने यहाँ पे अपने इसी प्रोडक्ट से, मतलब एक ही इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी एफिलिएट चीजें, आई मीन इसी से सेम हो सकते हैं, जैसे बैक पेन से सेम हो सकते हैं या इसी के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, आप लोगों ने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना। और दोस्तों एक चीज प्रो टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, अगर आप डिजिस्टो 24 यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप क्लिक बैंक यूज कर सकते हैं तो उसके भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों ने बस एक ही लैंडिंग पेज से सारा कुछ कर देना है, जिससे आपके अगर आपने अच्छे से ये सब किया गाइस तो आई एम डेफिनेटली श्योर और आपकी सेल्स अच्छे से जनरेट भी होने लगेगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस पे ट्रैफिक कैसे लाना है, आई मीन इसे कैसे रैंक कराना है। ऑलरेडी ये रैंक करेगा गूगल की सर्च रैंक में, बस बट आपको कैसे कराना है। अब देखिए इतना कर लिया, अब आप लोगों ने जाना है पेजेस पे, ठीक है। पेजेस पे जाने के बाद आपको ये आइकन मिलेगा यहाँ पे, इस पे जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा न्यू लिंक का। आपको सिंपली न्यू लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम दे देना है, जैसे कि आप सपोज दैट मैं पहुंच गया अपने इस वाले प्रोडक्ट पे सेल्स पेज पे, डिजिट क्लिक बैंक के सेल्स पेज पे। अब आप लोगों ने यहाँ पे और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक, तो गाइस जब आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट्स आपको यहां से चूज कर लेना है, देन आप लोगों ने यहां पे उसका टाइटल सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करके आपको आ जाना है अपने उसी पेज पे एंड यहां पे उसका नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सिंग म्यूजिक मेडिटेशन म्यूजिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसी की लिंक और मेंशन कर देनी है। देखिए मैं आपको ओनली डेमो बता रहा हूँ, आपको ओनली बता रहा हूँ कि आपको ये सब करना है, ठीक है। तो सिंपल से एज इट इज आपको वो अपनी एफिलिएट लिंक यहाँ पे पेस्ट करके डन कर देना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये पेज का ये बन के आ गया। अब आप लोगों ने, मैं तो ये ओनली डेमो दे रहा हूँ आपको, इसी से रिलेटिव आई मीन इसके अल्टरनेटिव जो बैक पेन से अल्टरनेटिव और भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पूरा बना दोगे तो उसमें सब मेन्यू भी लग के आ जाएंगे, तो उससे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही लैंडिंग पेज में इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे आपकी सेल्स बूस्ट होने के काफी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा समथिंग बन के रेडी है, काम यही हमारा खत्म नहीं होता। अब देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड देन गाइस मेन चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक नहीं कर देना है भूल कर भी, अगर आपको यहाँ पे टिक कर दिया तो ये बिल्कुल भी सर्च में रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेब एड्रेस एक मेन चीज है, यहाँ पे वेब से ही समझ में आ जाता है कि ये किसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है बैक पेन सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ इस टाइप का। और अगर ये किसी ने ले लिया है तो यहाँ पे 1-2-3 करके कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ये हमें मिल गया, ये अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पे पब्लिश कर देनी है। अब यहाँ पे हमारे लैंडिंग पेज की लिंक हमें मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे व्यू, सिंपल से जब हम इसे व्यू करेंगे, सो गाइस एज यू कैन सी हमारा लैंडिंग पेज ये देखिए कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो इमेजेस हमने लगाए थे वो अपने आप यहाँ से स्लाइड हो रहे हैं, आपको बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके लगा देने हैं। और एक वीडियो भी हमारा हमने जो मेंशन किया था, और देखिए उसके बाद हमारा एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है एंड उसके बाद गाइस आता है गेट टू प्रोडक्ट्स, आई मीन प्रोडक्ट्स का लिंक। तो सिंपली अगर कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पे, दैट मींस ये हमारा ब्रिज पेज है एंड जो कस्टमर हमने रीडायरेक्ट किया वो किया अपने मेन पेज पे। तो ये ही थी स्ट्रेटेजी एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। तो अब मैं गाइस आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो भी आपके कस्टमर होंगे यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स डालेंगे वो आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। अब गाइस ये देखिए आपको रैंक कैसे कराना है, सो दोस्तों यही लिंक आप लोगों ने अब मेंशन कर देनी है पिंटरेस्ट पे एंड जितने भी आर्टिकल्स आप लिखते हो उन पे एंड फेसबुक कवर पेज पे। और अगर आपको और भी ज्यादा वीडियोस चाहिए कि कैसे एफिलिएट लिंक पे आई मीन लैंडिंग पेज पे किस तरीके से ट्रैफिक जनरेट करती हैं, तो मैंने ऑलरेडी एफिलिएट सीक्रेट का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे, तो आप वो विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और उनमें जो मैंने ट्रिक बताया है एफिलिएट लिंक पे कैसे ट्रैफिक जनरेट करें वो सारी वीडियोस देखिए गाइस, और ये लिंक वहां पे मेंशन करिए। सो आप बताओ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और यूजेबल थी या नहीं। सो गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आपको इश्यू आ रहा है वो जरूर हमें बताएं। दोस्तों मैं
आपकी हर एक सिचुएशन में हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ और हमेशा और ऐसे ही करता रहूंगा। सो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो, अर्निंग गाइस अपनी जारी रखना। बाय बाय।